नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ने वाले हैं। देखो, सेटिंग अरेंजमेंट जो टॉपिक है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। किसी भी एग्जाम में 10 नंबर तक सेटिंग अरेंजमेंट आ जाता है और 10 नंबर के आसपास आपका पजल आ जाता है, दोनों मिला 20 नंबर के आसपास। लेकिन अगर आगे अकेले सेटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं तो 10 नंबर का ही पूछ लिया जाता है। उसमें लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन लगभग सारे एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम ले लो आप, क्लर्क, PO या फिर LIC का कोई भी एग्जाम ले लो या RBI ले लो, एक लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट आपको जरूर जरूर से मिलता है। अब हमारे साथ में ये दिक्कत आती है कि लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट को हम लोग कैसे टैकल करें, किस तरीके से इसको सॉल्व करें, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। ठीक है, हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि हमें क्या पढ़ना है, हम लोग बस क्वेश्चन पे निकालते रहते हैं। अगर हमें एक एग्जैक्ट तरीका नहीं पता, जैसे हमें इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट पता है, सिलोजिज्म का एक कॉन्सेप्ट पता है, उससे हम लोग क्वेश्चन निकाल लेते हैं, लेकिन लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट का या फिर कोई भी सेटिंग अरेंजमेंट हो या फिर पजल हो उसका हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो देखो, इसका वैसे तो कोई अप्रोच या परफेक्ट कोई भी रूल्स बनाना इसके लिए इम्पॉसिबल है, इस टॉपिक के लिए, लेकिन फिर भी मैंने पिछले सालों के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और इस साल के जो एग्जाम हुए थे, 2019 के जो एग्जाम हुए थे, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आए, उन सबको एनालाइज करके मैंने लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट के कुछ अप्रोच बनाए हैं। उससे सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो रहे हैं। और उसके अलावा देखो, कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठाओगे तो उसकी कोई भी वो क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर जिस थिंकिंग से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है उस थिंकिंग को ध्यान में रखते हुए, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए मैंने एक अप्रोच बनाई है। वो अप्रोच मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। उस अप्रोच को सीखने के बाद में आप लोगों को ऐसा रेंडमली कुछ भी नहीं कि इसको कहाँ से स्टार्ट करूँ, इसको कैसे करूँ, ये सारे कन्फ्यूजन्स आप लोगों के दूर हो जाएंगे। तो इसके अंदर मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ चीज़ें मैं क्वेश्चंस के माध्यम से एकदम ईजी लेवल से धीरे धीरे चीज़ों को आगे ले जाके पार्ट वाइज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं सेटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ तो आपका एक तो लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट होता है, एक सर्कुलर होता है, एक स्क्वायर होता है। तीन टाइप के सेटिंग अरेंजमेंट आपके बेसिकली होते हैं। तो हम लोग लीनियर पढ़ रहे हैं। लीनियर में भी अब आपके यहाँ पे तीन टाइप के सेटिंग अरेंजमेंट आ जाते हैं। एक तो एक ही लाइन में लोग बैठे हुए हों, अब उसके अंदर भी नॉर्थ साउथ बहुत सारी चीज़ें, फेसिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। एक दो लाइनों में बैठे हुए आमने सामने बैठे हुए रहते हैं, एक लाइन में बैठे होते हैं लोग, लेकिन हमें नंबर ऑफ पर्सन नहीं पता होता। आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, मतलब कितने लोग बैठे हुए हमें पता ही नहीं है उस लाइन के अंदर। ये तीन टाइप की चीज़ें बनती है। तो फिलहाल आज आप लोगों के साथ में एक लाइन में जो लोग बैठते हैं ना, उसका पार्ट वन डिस्कस करने वाला, मतलब लीनियर सेटिंग पार्ट वन, जिसमें एक ही लाइन में जितने लोग बैठेंगे ना उनकी मैं आप लोगों के साथ अप्रोच डिस्कस करूंगा। फिर इजी लेवल से धीरे धीरे क्वेश्चंस को आगे लेके जाऊंगा। इसके कुछ पार्ट्स बनाऊंगा मैं, दो तीन पार्ट बनाऊंगा, उसके अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। अभी मुझे पता नहीं है कितने पार्ट्स में होगा, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं, देखते हैं कितने पार्ट्स में ये हो पाता है। तो आप लोग क्वेश्चन के ऊपर बिल्कुल ध्यान में दीजिएगा, क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन आएगा, आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की जो मैं अप्रोच बताऊंगा आप लोगों को उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। जो मैंने पहले की वीडियोस बनाई हुई उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहा हूं इसके अंदर, तो सारे लोग ध्यान से देखेंगे, जिन्होंने पुराने वीडियोज़ देखे हुए वो भी ध्यान से देखेंगे। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें जो शायद कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होंगी, इसलिए उनके लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ मैं। देखो, दो टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, दो तीन टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो हमारा मेन टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। जैसे कि सात लोग बैठे हुए हैं किसी लाइन में, आठ लोग बैठे हुए हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले तो एक ऐसे पोजीशन तो डर होनी चाहिए ना सात लोगों की। मान लेते हैं सात लोगों की पोजीशन तो ड्रा होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। अब वो पोजीशन हर इन्फॉर्मेशन से ड्रॉ नहीं होगी। जैसे आपको बोल दिया ए बी के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, तो ए जो है बी के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो बी के एक दो तीन, मान लो इसकी डायरेक्शन नॉर्थ है, तो डायरेक्शन नहीं पता तो आगे बता दूंगा मैं, पहले स्टार्टिंग पॉइंट जान लेते हैं। जैसे ए बी के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता बचे हुए तीन लोग इसके आगे बैठे हुए हैं या पीछे बैठे हुए हैं, या दो लोग आगे बैठे हैं या तीनों पीछे बैठे हुए हैं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है, बाकी इन्फॉर्मेशन से पता लग सकता है, लेकिन यहाँ पे मतलब एक कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ तक हमारे लिए प्रायोरिटी पे रहेगी चीज़ें, हम लोग पहला पॉइंट यहाँ पे मैं तीन पॉइंट बताऊंगा मैं आप लोगों को। पहला पॉइंट ये कि आप लोगों को एक्सट्रीम एंड पे कोई दिया हुआ, एक्सट्रीम एंड पे, जैसे बी किसी एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है, तो एक्सट्रीम एंड पे बी कैसे कैसे बैठ सकता है, या तो बी इधर होगा या बी इधर होगा। तो बी अगर एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ, अगर इधर बैठेगा तो इसके इधर छह लोग बैठेंगे, यहाँ बैठा है तो इसके इधर छह लोग बैठेंगे। तो एक बार हमारे पास लाइन ड्रॉ हो गई, उसके बाद में हम क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को यूज में ले लेंगे। दूसरी पॉइंट, हमें एक्सट्रीम एंड से पोजिशन दे देगा, ठीक है, पोजिशन फ्रॉम एक्सट्रीम एंड, मतलब एक्सट्रीम एंड से आपको पोजीशन दे दी। जैसे बी यहाँ पे बैठा था, तो अभी तक भी हम लोग ड्रा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपको बोल दिया कि बी लेफ्ट से थर्ड बैठा हुआ है, ठीक है, तो लेफ्ट से थर्ड देखो, एक दो तीन, बी यहाँ पे बैठ गया, ये लो, तो लाइन ड्रॉ हो गई ना, सारे सातों लोगों की पोजीशन आ गई एक बार, मतलब सब कौन कहाँ बैठा है नहीं आया, लेकिन एक बार हम लोग लाइन तो ड्रॉ कर पाए कि बी यहीं पर बैठेगा, बी के इधर दो बैठेंगे, उधर तीन बैठेंगे, यह कन्फर्म हो गई बात,
ठीक है, लेफ्ट एंड से भी थर्ड नंबर पे बैठा हुआ है तो हमें ये दिया था, राइट से बैठा हुआ देता तो भी बन जाती, तो एक्सट्रीम एंड से जब पोजीशन दी होगी तो आप वहाँ से स्टार्ट कर लीजिएगा। अब मान लेते हैं इन दो पोजीशन, अगर ये दो टाइप की चीज़ें दे दी तो हमारे लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, हम इजीली क्वेश्चंस को आगे लेके जा सकते हैं, हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट हमें करेक्ट मिल गया, मतलब आगे जाके हमारे साथ गड़बड़ होने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। लेकिन अगर हमें एक्सट्रीम एंड से या फिर एक्सट्रीम एंड से पोजीशन ना दी हो तो क्या दिया होगा तीसरे नंबर पे, किन्हीं भी दो लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे ए और बी के बीच में चार लोग बैठे हुए हैं, बी और सी के बीच में तीन लोग बैठे हुए हैं, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। तो जिन भी दो एलिमेंट्स या जिन भी दो लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा जहाँ लोग बैठे हुए रहेंगे वो पॉइंट आपको लेके चलना है। जैसे ए और बी के बीच में पाँच लोग बैठे हुए हैं तो डायरेक्ट सात लोग ही ड्रॉ हो गए। देखो ए और बी के बीच में पाँच लोग बैठे हुए हैं तो एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, बी तो सात लोग बैठ गए। दूसरा केस क्या बनेगा, बी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, इसके अलावा तो कुछ बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो सातों लोगों की पोजीशन आ गई। अब आपको बोलते हैं सर यहाँ तो सातों लोगों की पोजीशन आ गई, मान लो सातों लोगों की पोजीशन नहीं आ पाती है, पांच लोग ना दिए हो बैठ में तो मैक्सिमम पे जाओ। जैसे ए और बी के बीच में चार लोग बैठे हुए हैं तो ए और बी के बीच में जैसे मिनट उठा देते, एक दो तीन चार लोग बैठे हुए हैं तो दो आप लोगों के पास में ये केस बन गए। तो यहाँ से क्वेश्चन आगे लेके जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब हो सकता है कि दो बंदे, एक एक जो बंदा बचा है वो उधर बैठे, इधर बैठे, इधर बैठे, उधर बैठे, किधर भी हो सकता है वो, ठीक है, या फिर दोनों आगे बैठे, दोनों पीछे बैठे, जैसे भी आप लोगों के पास में कंडीशन होगी क्वेश्चन की। लेकिन हमें कोशिश ये करनी है, हमारे लिए अप्रोप्रिएट जो कंडीशन होगी वो यही होगी कि किन्हीं भी दो लोगों के बीच में जब मैक्सिमम लोग बिठाए रहेंगे ना उसी पॉइंट के साथ में हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। मैक्सिमम पर्संस बिटवीन टू पर्संस, ठीक है, जहाँ पे ये आप लोगों को दिया होगा वहाँ पे आप लोगों को ये वाली चीज़ लेनी है। चौथी बात, मैक्सिमम पोजीशंस इन बिटवीन टू पर्संस। देखो मैं ऐसे टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ मेरी तरफ से बना के तो उसका कोई एग्जैक्ट मतलब नहीं, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तीन पॉइंट ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, मैक्सिमम पर्संस पोजीशन, मैक्सिमम पोजीशन या कुछ भी लिख लो इसको, जो भी आप लोग लिखना चाहते हैं। मैक्सिमम पर्सन पोजीशन का मतलब ए बी के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, एक आपको ये दे दिया, एक आपको दे दिया सी के फोर्थ लेफ्ट में ई बैठा हुआ है, तो कौन सा पोजीशन काम में लोगे, फोर्थ वाला, मैक्सिमम वाला काम में लेना है। जैसे ऊपर वाला मैक्सिमम काम मिले, मैक्सिमम नीचे वाले में काम में लेना है। जैसे बी ए के फोर्थ लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, तो ए के मान लो फोर्थ लेफ्ट में, सबके डायरेक्शन में एक बार एग्जाम्पल के लिए नॉर्थ ही मान के चल रहा हूँ, ठीक है, बी ए के फोर्थ लेफ्ट में बैठा हुआ है तो एक दो तीन और ये चार, ठीक है, तो बी ए के फोर्थ लेफ्ट में बैठ गया, तो मैक्सिमम जितने लोग, वही बात होगी ना, सबसे ज़्यादा लोग बैठने चाहिए बीच के अंदर, तो पोजीशन से ही वही पता लगेगा हम लोगों को। ये चौथे नंबर बैठे मान लो पांचवे पे दे दिया, छठे पे दे दिया, तो इस तरीके से जितने ज़्यादा लोग बीच के अंदर बैठे हुए देगा वही करना है, तो वो पोजीशन से भी आप लोगों को दे सकता है। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ये चार चीज़ें हैं, लगभग सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो दो चीज़ें आप लोगों को ये दी हुई है ना, इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। लगभग मैंने एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चन को जब मैंने देखा तो उसमें देखा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, और आपके चांसेस होते हैं 50% से ज्यादा कि ये वाली इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में मिलेगी। ना मिलेगी तो हम लोग इन दोनों चीजों से स्टार्ट कर लेंगे, ये भी नहीं मिलेंगी तो फिर डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन मैक्सिमम 90-95% क्वेश्चंस आप लोगों की ये चीजें आप लोगों को जरूर देंगे, तो यहां से आप लोगों क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से करनी है, एक लाइन वाले क्वेश्चन के अंदर, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट आ गया हमारे पास में। अब इसके बाद में थोड़ा सा आप लोगों को ना डायरेक्शन और बता देता हूँ कि डायरेक्शन को किस तरीके से लेते हैं हम लोग, लेफ्ट राइट, अगर किसी का कन्फ्यूजन है, किसी को पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग उसके बाद में क्वेश्चन पे जाएंगे। डायरेक्शन का आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, लेफ्ट राइट का नॉलेज बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं होगा वो तो बेसिक सी चीज़ है तो क्वेश्चन हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। जैसे आपको दो तरफ फेसिंग दे सकता है किसी भी पर्सन की, एक तो नॉर्थ साइड में या फिर साउथ साइड में। जब नॉर्थ साइड होती है, जो उत्तर दिशा होती है, उसके अंदर जो आपका राइट होता है वही राइट होता है, और जो आपका लेफ्ट होता है वही लेफ्ट होता है। साउथ डायरेक्शन में जैसे उल्टा हो जाता है, आपका राइट लेफ्ट हो जाता है, और जो आपका लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है। अब इनमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, कुछ लोग एग्जाम में भूल जाते हैं, तो भूलने का सीधा सा जुगाड़ है एक कि आप कहीं भी दो चीज़ों में अगर कन्फ्यूज होते हो तो एक को याद कर लो, बस एक को याद कर लो, दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आप याद यही रखो कि नॉर्थ डायरेक्शन, जो आप ये याद रखो, नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब जो मेरी डायरेक्शन है वही नॉर्थ की डायरेक्शन है, मतलब जो नॉर्थ में राइट मेरा है वही नॉर्थ में लेफ्ट मेरा है, साउथ में उल्टा होता है, तो अपने आप ध्यान में रह जाएगा एग्जाम के अंदर। तो ये छोटी सी बात ही मैंने बता दी। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। देखो भाई, अब हम लोग आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहले क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है,
सेवन पर्संस ए ई आई ओ यू बी एंड सी आर सिटिंग इन द स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की साइड फेसिंग है, ठीक है। इसका मतलब आपका जो राइट होगा वो राइट हो जाएगा, आपका लेफ्ट ही लेफ्ट हो जाएगा। बोल रहा है यू सिट थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, इसका मतलब हम लोगों को एक एक्सट्रीम एंड से आप लोगों को पोजिशन दे दी गई है, तो ये हमारी एक राइट स्टार्ट हो सकती है, यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो करते हैं। क्या बोल रहा है, यू सिट थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, तो यू थर्ड एंड पे बैठेगा, तो पहले सात लोग बना लेते हैं, दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन, यू यहाँ पे बैठ गया राइट एंड से थर्ड पोजीशन पे, यू बैठ गया, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद में चलते हो, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ई सीट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ठीक है, ई सीट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब आप एक बात बताओ, क्या आप इसके अंदर कुछ रख सकते हो, यू से और कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा किधर से भी। तो जब भी आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिसको बोलता हूँ मैं, एक बार क्वेश्चन के डायरेक्ट डायग्राम में हम लोग पुट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे उसको, डायरेक्ट इस डायग्राम में हम लोग पुट नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे उसको, एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में आप लिखना सीख जाओगे जब धीरे धीरे मेरे क्वेश्चंस को आप लोग देखोगे। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, ई सी थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन ने इन्फॉर्मेशन दे दी है, डायरेक्ट अभी मैं रखूंगा तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो मैं नहीं रख पाऊंगा, तो अभी मैं क्या करूंगा इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे रख के छोड़ दिया। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है हु इज, अब देखो छोटी छोटी बातें साथ में बताता हुआ चलता हूँ, तो हु और एंड के बारे में बता देता हूँ मैं आप लोगों को। हु हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है और एंड हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। अब ये सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है ई सीट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो ई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है और सी यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन है। जो बाद में आ रहा है वो सेकंड पर्सन, जो पहले आ रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। तो ये हु किसको इंडिकेट करता है, ये हु इंडिकेट करता है सेकंड पर्सन को। तो ये किसके लिए बोल रहा है, ये सी के लिए बोल रहा है कि सी इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ आई और ए, तो सी के पास में आई और ए नहीं बैठेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे करके लगा दिया कि सी के पास में आई और ए नहीं बैठ, तो बस इससे ध्यान में रखना है कि सी के पास में आई और ए नहीं बैठेंगे, बस सिंबॉलिक फॉर्म हो गई कि मुझे ध्यान में रखना चाहिए। देखो भाई इसका आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका आगे क्वेश्चन बोल रहा है हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, तो ओ के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, ओ के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। ये हु किसके लिए आ रहा है, ये हु आ रहा है ए के लिए, तो ओ के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठेगा, ए बैठेगा। अब देखो इस इन्फॉर्मेशन से भी अगर मैं चाहूँ तो इस डायग्राम में कुछ भी पुट नहीं कर सकता अभी तक, कोई बात नहीं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। उसके आगे बोल रहा है हु इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ सी, तो किसके लिए बोल रहा है, सी का इमीडिएट नाइबर कौन है, ओ है। इसका मतलब क्या है, ओ और सी है ना वो साथ में आएंगे, आपस में इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है आगे पीछे, लेकिन सी के पास में आएगा वो, या तो इधर आएगा या इधर आएगा, या तो ओ सी ऐसे होगा या सी ओ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ओ और सी आएंगे पास पास में, लेकिन इनकी पोजीशन आपस में चेंज हो सकती है। अभी भी मैं यहाँ पे कुछ नहीं रख सकता हूँ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है यू सिट बिटवीन ओ एंड ई, ठीक है, यू जो है वो ओ और ई के बीच में बैठेगा, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ लोग ये बोल देंगे कि सर यू डायरेक्ट इसी इन्फॉर्मेशन को आराम से काम में ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, आप बोलोगे सर U किस किस के बीच में बैठ रहा है, O और E के बीच में, तो O और E ऐसे बैठ जाएगा, ये लो U हो गया इसके बीच में भाई, O और E में से एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा, कोई भी हो सकता है, वो बाद में देख लेंगे, एलिमिनेट हो जाएगा ये केस। लेकिन लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर मैं यहाँ से इस पोजीशन को हटाता हूँ, अगर ऐसे कर दोगे तो ये गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हो सकता है आपकी ये पोजीशन सही हो जाए और हो सकता है यही सही हो, लेकिन ये सही नहीं है, इसको एक बार में सही नहीं मानना है हमें बिल्कुल। अगर मान लो O और E यहाँ पे आ गया और ई यहाँ पे आ गया, अब क्या यू बीच में नहीं है इसके, अब भी यू बीच में ही है। देखो बीच का मिड का मतलब क्या होता है, मिड का मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। बीच का मतलब दोनों से सेम डिस्टेंस होने चाहिए। देखो ओ और ई के बीच में भी एक बंदा छोड़ के बैठा हुआ है और ई इधर से भी एक बंदा छोड़ के बैठा हुआ है, तो यू तो इस केस में भी बीच में ही है। तो कभी भी इस केस को ऐसे नहीं मानना, ये छोटी छोटी बातें हमेशा ध्यान रखना है। हम लोग गलतियां कर बैठते हैं, अगर हम लोग इन पे काम करेंगे तो एग्जाम में ऐसी गलतियां नहीं होंगी। ऐसी एक गलती कर देते उससे पूरी पजल खराब हो जाती है, पजल खराब हो जाती है, पूरा पेपर खराब हो जाता है। इसलिए हमें छोटी छोटी बातों का यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो हमें अभी तक ओ और ई की अभी तक कोई पोजीशन नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि भाई कैसे बैठेगा, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपल सा क्या लिखना है, यू ओ और ई के बीच में बैठेगा, तो ओ ओ और ई के बीच में यू बैठेगा किधर, मिड में, बस ऐसे लिख देना। तो आपको पता चल जाएगा भाई ओ और ई के बीच में कौन बैठा हुआ, यू मिड के अंदर बैठा हुआ है। तो आगे देख लेंगे जब भी यूज में आएगा। तो दो केस बनाना चाहो तो बना सकते थे, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे दो केस, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है इसके अंदर, कि भाई आगे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल है। आगे चल गए, हु सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, यानी ये जो ई है ना वो आई के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो देखो अगर आई यहाँ पे है,
ठीक है, तो ये जो ई है ना वो आई के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो इमीडिएट लेफ्ट किधर होगा, ई होगा, और ये एक फिक्स इन्फॉर्मेशन है, ई और आई की पोजीशन ये होगी, ना उल्टा होगा ना कुछ और होगा, ठीक है। अब जब भी ऐसी कोई पोजीशन आती है जिसमें दो बंदे पास पास में बैठे हुए, तो अब जब भी आप डायग्राम में देखें, इस क्वेश्चन में काम में नहीं आएगा लेकिन बाकी क्वेश्चन में काम में आएगा, आपको ये देखना है दो जगह कहाँ पर खाली है लगातार, यहाँ पर दो आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, तीन सेट बन सकते हैं बस इसके, और तो कुछ बनना है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को वो तीन कैसे नहीं बनाने, लेकिन एंड में जब हम लोग देखेंगे चीज़ों को तब देखें, मतलब उसको अप्लाई करना पड़ेगा, जब भी हम लोग दो बंदों को एक साथ में देखते हैं तब आपको दो पोजीशन तो खाली होनी चाहिए ना आपको, तो बाकी कुछ क्वेश्चंस में आपको ये देखना है, इन्फॉर्मेशन से आपको पता लगना चाहिए कि मुझे देखना क्या है डायग्राम के अंदर, मुझे करना क्या है, इन्फॉर्मेशन से ही पता चलेगा जो क्वेश्चन में दी हुई होंगी। अब देखो इसके बाद में जब इतना कर लेता हूँ मैं क्वेश्चन, इसके बाद में आपको जब साथ साथ में जब आप लोग ये इन्फॉर्मेशन लिख रहे होते हैं, तो हमें तो पता नहीं, मान लो इतना बड़ा एक क्वेश्चन आ गया, इससे बड़ी एक पजल आ गई, कोई भी क्वेश्चन आ गया, और उसके अंदर उस वाली पजल के अंदर आप लोगों को अगर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और सारी को लिखने बैठ गए, तो कितना लिखोगे, इतना नहीं लिख पाएंगे हम लोग एग्जाम के अंदर, मेंस की अलग बात होती है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होता है लिख लेते, लेकिन प्री के अंदर इतना नहीं लिख पाते और इतने लेवल पे क्वेश्चन भी नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोगों को क्या करना है, जब हम लोग इन्फॉर्मेशन लिख रहे होते हैं तो हमको दिमाग में रखना होता है कि कुछ और भी हमें दिया हुआ है क्या, देखो ये सी और ई के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन थी, ई के बारे में एक इन्फॉर्मेशन और आ गई यहाँ पे, लेकिन फिर भी मेरे लिए कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसमें बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, सी यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया, बहुत सारे केसेस इसके अंदर भी बन जाएंगे, ठीक है। तो फिर मैं और आगे चलता हूँ, देखता हूँ कि और क्या क्या पोजिशन बन सकती हैं, ठीक है, उसके आगे और चला मैं कि भाई और अगर कोई, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब साथ साथ में चल रहे होते हो तो इन्फॉर्मेशन को दिमाग में रखो कि कहीं यहीं पर ही मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ क्या कुछ, यहीं पे ही, तो अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक, कोशिश करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास में इन्फॉर्मेशन का लेके ज़्यादा केसेस बन सकते हैं, इतना हमारे दिमाग में चल रहा है, तो अभी हम और आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो हमने पढ़ा नाइदर ई नोर बी सिट एट एनी एंड ऑफ द एनी लाइन, ठीक है, ई और बी में से कोई भी एंड में नहीं बैठेगा, ना तो ई और बी यहाँ पे आएगा, ना ई और बी यहाँ पर आएगा, इन दोनों पोजीशंस के ऊपर ई और बी नहीं आएगा। तो अब देखो फिर से ई के बारे में इन्फॉर्मेशन आ गई, ई के बारे में यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, तो अब देखते हैं हम लोग फिर से दोबारा से पुट करके देखते हैं। देखो भाई सी यहाँ पे आ सकता है, सी अगर यहाँ पे आया तो ई कहाँ पे आएगा, थर्ड राइट में आएगा, तो एक दो तीन ई यहाँ पे आएगा, अगर ई यहाँ पे आएगा तो आई कहाँ आएगा, तीनों को मिक्स करो ना, आई को भी तो आना पड़ेगा ना, तो नहीं बन पाएगी बात, ठीक है। तो फिर आगे और चलते हैं, अगर सी को मैं यहाँ रखता हूँ इस वाली पोजीशन पे, तो एक दो तीन यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा, तो यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मैं सी को यहाँ पे रखता हूँ तो एक दो तीन इस पोजीशन पे मेरा ई आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में आई के लिए जगह बचनी चाहिए, तो यहाँ पे आई आ जाएगा, तो मेरा बैठ गया इस वाले केस में, दिमाग के अंदर ही करना है ये सब कुछ, ऐसे नहीं कि अलग अलग केसेस बनाने बैठ गए, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने काम में ली, इसको भी मैंने हटा दिया, ठीक है, सी और ई वाली ये इन्फॉर्मेशन थी, इसको ही मैंने हटा दिया। अब इसके बाद में मैं एक चीज़ और देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि ओ और ई के बीच मिड के अंदर कौन बैठा हुआ है, यू बैठा हुआ है, देखो ई यहाँ पे आ चुका है तो ओ यहीं पे आएगा, ये कैंसिल हो गई, और देखो ओ और सी बगल में बैठने चाहिए, तो ओ और सी बगल में ही बैठ रहे हैं, वो केस भी हमारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब बोल रहे हैं ओ के थर्ड लेफ्ट में ए बैठा हुआ है, तो ओ का थर्ड लेफ्ट कौन सा है भाई, ओ का थर्ड लेफ्ट किस साइड में जाएगा, एक दो तीन, एक होगा, एक दो तीन, यानी ए यहाँ बैठेगा, बचा कौन, बी बचा, वो यहाँ आ जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे जो भी इन्फॉर्मेशन दी अपने आप फॉलो हो जाएंगी चीज़ें, यहीं पे क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हर केस में ऐसा नहीं होगा कि एक दो इन्फॉर्मेशन बच जाएगी, इस केस में दी हुई थी एक दो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा, तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने जितना हमारे पास था उसी से हम लोगों ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया, ईजिली आप लोगों का क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसके बाद में आते हैं आपके इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन कुछ नहीं होते हैं, इसके राइट में कौन है, इसके लेफ्ट में कौन है, इस टाइप की चीज़ें आती हैं, तो ये आप लोग ईजिली कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन, हम लोग क्या करते हैं कई बार ऑप्शन से क्या कर देते हैं, हम लोग कई बार ऑप्शन से क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक इस सेकंड वाले क्वेश्चन में देखना, फर्स्ट वाला क्वेश्चन बाद में बताएंगे, पहले सेकंड वाला बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के अंतिम सिरों पर बैठा हुआ है, अंतिम सिरों पर कौन कौन बैठे हुए हैं, अंतिम सिरों पर ए और आई बैठे हुए हैं, ठीक है, तो देखो ए और आई किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, फिर दो ऑप्शन बताए, कांट बी डिटरमाइंड और अदर देन द दो ऑप्शन, मतलब जो ऑप्शन दिए हुए हैं उससे अलग ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई ही होगा, कैन नॉट डिटरमाइन मत कर देना, सबको पता है लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अगर कन्फ्यूजन हो तो ये मत कर देना, डिटरमाइन तो हो ही चुका है ना, लेकिन हमें ऑप्शन भी नहीं दिया गया है। इसके अलावा देखो ये क्वेश्चन दिया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेकंड लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के सेकंड लेफ्ट में कौन है, ओ के देखो सेकंड लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट किधर है, उस साइड में लेफ्ट, तो एक दो बी है, ओ के सेकंड लेफ्ट में कौन है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हु अमंग्स द फॉलोइंग सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, ई के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ई के थर्ड लेफ्ट में देखना, एक दो तीन सी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी के संदर्भ में आई का स्थान क्या है, तो सी के रेस्पेक्ट में आई का स्थान देखना है, तो सी यहाँ पे बैठा हुआ है,
आई यहाँ पे बैठा हुआ है, तो सी के किधर बैठा हुआ है, राइट साइड में बैठा हुआ है, कौन सी पोजीशन में, एक दो तीन चार नंबर पोजीशन में, तो फोर्थ राइट बैठा हुआ है, ठीक है, तो फोर्थ टू द राइट यहाँ पे मैंने टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, तो इसके बाद में इन क्वेश्चन की ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अच्छा, जिनको भी ये और भी आगे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिनको भी PDF चाहिए ना, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इनकी PDF चाहिए, तो PDF आप लोगों को जब भी लेक्चर आएगा उसके बाद में आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। किस पर? टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जब भी टेलीग्राम एक ऐप होती है उसको डाउनलोड कर लेना, और उसमें जाके @ansulsir इस तरीके से सर्च करना, @ansulsir अगर आप सर्च करोगे तो उसमें एक ग्रुप आएगा, बैंकर्स पॉइंट ग्रुप ऑफ चैंपियंस, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। उसमें मेरे जो फीड्स होंगे, मेरी वीडियोस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और यहाँ पे जो क्वेश्चंस में ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनको आंसर के साथ में मैं वहीं पर आप लोगों को दूंगा PDF के फॉर्म में, जो यहाँ पे मैंने पढ़ा है सेम क्वेश्चन वहाँ पे मैं आपको एज ए PDF दे दूंगा, ठीक है। तो ये टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन दिखाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा छोटा छोटा दिख रहा होगा आप लोगों को, तो इसका एक समाधान करते, जगह भी नहीं बची क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, हिंदी में पढ़ देता हूँ, इस बार पहले इंग्लिश में पढ़ा था। 7 व्यक्ति MNOPQRS उत्तर की ओर मुख करके एक दूसरे से समान दूरी पर एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि समान क्रम में हो। उनमें से प्रत्येक का एक भिन्न पेशा है, प्रोविजनिंग ऑफिसर, पत्रकार, क्लर्क, इंजीनियर, व्यापारी, प्रबंधक, गायक, लेकिन आवश्यक नहीं है कि समान क्रम में हो। उसके बाद में इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें, ठीक है। तो आप लोगों के पास में कुल मिला के 7 लोग हैं, और नॉर्थ की साइड उनकी फेसिंग है, ठीक है, और अलग अलग उनके प्रोफेशन है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल जोड़ दिया गया है, वो वेरिएबल क्या है, प्रोफेशन है। प्रोफेशन एक अलग वेरिएबल था जो कि इसमें ऐड कर दिया गया, पिछले वाले क्वेश्चन से अलग है। देखो अलग अलग डायरेक्शंस में क्या होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आगे पार्ट्स में पढ़ेंगे, आप लोगों को एकदम बेसिक से स्टार्ट करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तक कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये मैं यहाँ पे अगले वाले पेज पे से हटा रहा हूँ, क्योंकि ये तो हमने पढ़ ही लिया है ना कि 7 लोग हैं और ये अलग अलग प्रोफेशन है, उसके बाद में क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट होगा इसी लाइन से। तो अगले पेज पे मैं इसी लाइन के दोनों क्वेश्चन इस साइड में यहाँ पे इस तरीके से ले रहा हूँ। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन को कि भाई क्वेश्चन कैसे कर रहा है। क्वेश्चन ने बोला कि एस इज स्टैंडिंग एट द 5th पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ ओ। अब मुझे एक बात बताना, हमें एक राइट स्टार्ट चाहिए, मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला था कि हमें एक राइट स्टार्ट चाहिए। अब एक्सट्रीम एंड पे हो ना हो, हमें पूरा क्वेश्चन थोड़ी पढ़ने बैठेंगे उसके लिए, भी एक्सट्रीम एंड पे बैठा कि नहीं बैठा है। हाँ, आगे जाके अगर कहीं पे मिलेगा सोल्व नहीं हो रहा है, तो हम वहीं से एक्सट्रीम एंड वाली चीज़ों पर शिफ्ट हो जाएंगे, इन्फॉर्मेशन तो हम लोग लिख ही लेंगे पहले। लेकिन जब आपको एक सेंस आ जाता है ना कि यहाँ से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, तो वहाँ से स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक सेंस आ गया, एस इज स्टैंडिंग एट द 5th पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ ओ। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी कि एक्सट्रीम एंड से पोजीशन दी हो, एक्सट्रीम एंड पे बंदा बैठा हुआ हो, उसके बाद में बंदों की पोजीशन या बंदों के मतलब जो भी लोग बैठे हुए हैं, जो भी पर्सन बैठे हुए हैं, उनके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। वो जितने लोग यहां पे बैठे हुए हैं, अगर आपको लंबा नंबर दिया गया है, जैसे यहां पे 5th नंबर दिया गया है, एक अच्छा नंबर दिया हुआ है, एक बड़ा नंबर दिया हुआ है, तो आप लोग यहां से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों की पोजीशन आ जाएगी, एक दो बच्चे का, तो उसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। जो लाइन बनाने का हमारा जो टारगेट था ना, जैसे मैंने शुरू में बताया, उसी हिसाब से लाइन आराम से बन जाएगी। तो पहले ही लाइन से मुझे सेंस आ रहा है कि यहां से मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता हूं। एक क्वेश्चन बोल रहा है, एस इज स्टैंडिंग एट द 5th पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के 5th लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं ओ यहां पर बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो 5th लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है। एस इज स्टैंडिंग एट द 5th पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ ओ। कितने लोग बैठ चुके हैं इसमें लाइन में बताओ, 6 लोग बैठ चुके हैं लाइन में पहले से, 7 ही तो है टोटल, तो एक लाइन तो कंफर्म बन गई, एक या तो आगे आ जाएगा या पीछे आ जाएगा, बस इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। इज स्टैंडिंग एट द 3rd पोजीशन टू द राइट ऑफ एस। एस के 3rd राइट में जर्नलिस्ट बैठा है, तो 1 2 3 यहाँ पे कौन बैठेगा, जर्नलिस्ट बैठेगा, तो मैंने जर्नलिस्ट को बैठा दिया यहाँ पे। उसके बाद में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर इज स्टैंडिंग एट द 5th पोजीशन टू द राइट ऑफ एम। देखो एक बड़ी पोजीशन और दे दी मुझे, इस बड़ी पोजीशन का एस और ओ से कोई लिंक नहीं है, लेकिन एक बड़ी अगर अच्छी खासी पोजीशन आपको लंबे नंबर की पोजीशन दी गई हो, तो वो इसी डायग्राम में सेट हो सकती है, क्योंकि आपको पता है टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, 7 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते, ठीक है। एक बंदा या तो यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, 5th पोजीशन पे होने के लिए आर इज स्टैंडिंग एट द 5th पोजीशन टू द राइट ऑफ एम, तो एम या तो यहाँ हो सकता है, एम का 5th राइट क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, तो आर यहाँ बैठेगा। अच्छा एम क्या यहाँ बैठ सकता है, इसके और इधर एक बंदा छोड़ के, तो एक बंदा और छोड़ के रखेंगे तो 8 लोग हो जाएंगे टोटल। तो एम अगर एस के इधर आएगा तो इधर ही आ सकता है अगर आएगा तो, ठीक है। इसके अलावा और क्या देखें, एम की और क्या पोजीशन हो सकती है, एम यहाँ भी तो आ सकता है, जैसे मान लो एस और आर था, 2 केस बना लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ एस यहाँ तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इधर बना देता हूँ मैं, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। या तो एम यहाँ बैठेगा,
अगर आप ये सोच रहे हो कि एम एक बंदा छोड़ के इधर बैठ सकता है, तो दो बंदे तो बैठ ही नहीं सकता इसके एक साइड, एक ही तो बैठेगा, तो एम की मैक्सिमम पोजिशन यही हो सकती है, तो ये तो सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। अब एम मान लेते हैं यहाँ बैठेगा, तो एक दो तीन चार और पाँच आर यहाँ बैठ जाएगा। अगर एम यहाँ बैठेगा यहाँ पे, अगर आप ऐसा सोचते हो, तो सात से ज़्यादा हो जाएंगे लोग, तो वहाँ से केस कटेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, इन्फॉर्मेशन को समझना सीखो बस, पजल के अंदर यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्फॉर्मेशन को अगर हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो हमारे साथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इन दोनों को हम लोगों ने बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, इन दोनों को कंबाइंड कर लिया, यहीं पे आधा क्वेश्चन का एकदम बर्डन खत्म हो गई। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें दो केसेस नहीं बनाते तो आपको बहुत सारी चीज़ें और सोचनी पड़ती भाई आगे जाके। यहाँ पे हमारे लिए फिक्स दो केसेस हमारे पास बन गए, बस इसको आगे बढ़ा देंगे हम लोग। लेकिन आपको ये समझ होनी चाहिए, देखो समझने वाली बात ये, क्वेश्चन को सोल्व करके बहुत लोग दिखा देंगे, लेकिन समझने वाली बात ये कि आपको दिमाग में होना चाहिए कि दो बड़ी पोजीशन दी हुई तो इस तरीके से कंबाइंड हो सकती हैं। पहले छह लोग बैठेंगे तो एक पहले आएगा, एक लास्ट में आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्यू इज स्टैंडिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, क्या एन और क्यू के बीच में कुछ, अभी एन और क्यू के बारे में कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे? नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ पे एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आप लोगों को, ठीक है, ध्यान रखना उस चीजों को। जब आप किसी भी डायग्राम में, जब आप इसका डायग्राम बना रहे हो लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट का, जब आप ज्यादातर पोजीशंस को फिलअप कर चुके, कम पोजीशंस बची हुई हैं, तब ऐसी छोटी छोटी पोजीशंस को डायरेक्ट पुट करके देख लेना चाहिए, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में बैठ सकती हैं। अगर आपको बोलता है कि दो लोग पास पास में बैठे हुए हैं, तब तो दो केस बन जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, क्यू इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के सेकेंड लेफ्ट में क्यू बैठा हुआ है, ठीक है। तो एन के सेकेंड लेफ्ट में, अगर मैं अलग से लिखता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, क्यू बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब ऐसी वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसको डायरेक्ट डायग्राम में पुट करने की कोशिश, क्योंकि कब स्पेस बचा हुआ है। अगर ज्यादा स्पेस बचता है, कि सात लोग बचे हुए हैं, सातों की सातों जगह खाली पड़ी हुई है, तब इस इन्फॉर्मेशन को काम में लेने का कोई सेंस नहीं, वहां पे बहुत ज्यादा केसेस बन जाएंगे। कब सेंस बनता है, जब कम स्पेस, तो कम स्पेस बचे हुए तो डायरेक्ट पुट करके देख लो डायग्राम में, एक्स्ट्रा में लिखने की, इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब बोला क्यू इज स्टैंडिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, तो एन कहां आ सकता है, मान लेते एन यहां आ गया, और सेकंड लेफ्ट बिठाने के लिए क्यू को एक दो यहीं पे बिठाना पड़ेगा। और कुछ कर सकते हो क्या बताओ मुझे? यहाँ एन बैठेगा तो क्यू कहाँ बैठेगा? कुछ नहीं हो सकता, बस यही पोजीशन बनेगी, ठीक है। तो ये इसी तरीके से इसमें बन जाएगा एन और क्यू, बोला क्यू इज स्टैंडिंग टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ एन, तो बिठा दिया सेकंड लेफ्ट, एक बंदा बच गया। कौन बचा भाई? सात लोग थे ना, पी था, तो पी यहाँ बैठ जाएगा। क्वेश्चन देखना, तो सारे लोग बैठ चुके हैं आपके, जर्नलिस्ट देखो यहाँ बैठा हुआ था एस के थर्ड राइट में, एस के एक दो तीन थर्ड राइट में जर्नलिस्ट यहाँ बैठा हुआ था, तो ये केस में लिखना मत भूल जाना, ठीक है भाई। तो इतनी चीज़ें हम लोग फिलअप कर चुके हैं, और आ जाते हैं अब आगे क्या करना है। अब हमें जो प्रोफेशन से उनको अरेंज करना है, आगे चलते हैं। इंजीनियर इज स्टैंडिंग सेकेंड पोजिशन टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में इंजीनियर बैठा हुआ है, कौन सी पोजिशन? सेकेंड पे। तो P के सेकंड लेफ्ट पे किधर है? सेकंड लेफ्ट पे, यहाँ M हो गया, इंजीनियर बैठा हुआ है। P के सेकंड लेफ्ट पे यहाँ पे इंजीनियर बैठा हुआ है। आगे चलो, थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन इंजीनियर एंड सिंगर, इंजीनियर और सिंगर के बीच में तीन लोग बैठे हुए हैं। देखो इंजीनियर के इधर तो तीन लोग बैठ नहीं सकते, सिंगर, तो सिंगर को इधर आना पड़ेगा। एक दो तीन लोग बैठ गए, तो ये आपका हो गया सिंगर, ठीक है। तो इंजीनियर ये था, तो एक दो तीन लोग बैठा दिया, ये हो गया आपका सिंगर। आगे चलो, कलर्क इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ इंजीनियर, इंजीनियर के इमीडिएट लेफ्ट में कलर्क बैठा हुआ है, तो यहाँ इंजीनियर है, इमीडिएट लेफ्ट क्या होगा? उधर होगा, तो ये कलर्क। एक सेकंड, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इंजीनियर के इमीडिएट लेफ्ट में कलर्क बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पे कलर्क, ये सी है भाई, ठीक है, कलर्क बैठा हुआ है। बिजनेस मैन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ मैनेजर, ठीक है। बिजनेस मैन इमीडिएट, इमीडिएट क्या बोला है? बिजनेस मैन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ मैनेजर, ठीक है। बिजनेस मैन जो है वो मैनेजर के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। अब आप लोग इमीडिएट लेफ्ट और राइट का एक बात देखा करो, इमीडिएट लेफ्ट और राइट का मतलब क्या होता है? दोनों एक साथ बैठेंगे। थोड़ी देर पहले बताई थी एक चीज कि भाई दो बंदे जब पास पास बैठे तो दोनों की पोजीशन खाली होनी चाहिए। दो प्रोफेशन को एक साथ बैठाने के कहाँ पे पोजीशन खाली है? क्या यहाँ पे दो प्रोफेशन एक साथ बैठा सकते हो? दो खाली जगह हैं आपके पास में, क्योंकि यहाँ ना अभी तक बिजनेसमैन आया है, ना अभी तक मैनेजर आया है। क्या दो बिजनेसमैन मैनेजर को पास पास बैठा सकते हो इस वाले केस में? कहाँ बैठाओगे? यहाँ एक जगह ये खाली, एक जगह ये खाली, एक जगह ये खाली, तीनों अलग अलग हैं। दो लगातार जगह खाली नहीं है, ये वाला केस कैंसिल हो गया। दो लगातार जगह कहाँ खाली है? यहाँ खाली है। यहाँ क्या बोल रहा है? बिजनेसमैन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ मैनेजर, ठीक है। इसका मतलब मैनेजर यहाँ है, मैनेजर, और यहाँ कौन बैठेगा? बिजनेसमैन बैठेगा। एक प्रोफेशन और क्या बच गया?
वो आप क्वेश्चन के अंदर देख लो क्या बच गया, कौन कौन है भाई। पीओ बच गया शायद, प्रोबेशनरी ऑफिसर, तो पीओ बच गया, पीओ ही आपको बनना है ना, तो पीओ ही बच गया। पीओ कैसे बच सकता है, अरे कहाँ चला गया, ये रहा, वो आपका बन जाएगा पीओ। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता है, शॉर्ट आउट हो जाता है। देखो इजीली हम लोगों ने कर लिया, ज़्यादा कुछ टाइम लगना नहीं है। अगर इस अप्रोच से चलोगे तो मुझे नहीं लगता 2 मिनट से ज़्यादा इस पजल को आपको देना पड़ेगा। प्री लेवल की पजल है, आप लोगों के क्लर्क, अगर मैं एसबीआई क्लर्क की बात करूँ तो इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को बहुत सारे मिलेंगे। अब और उसको धीरे धीरे और टेढ़ी कैसे पजल सेटिंग अरेंजमेंट कैसे होती जाती है वो हम लोग और आगे देखते हैं। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। इसके ऊपर देखो बेस्ट क्वेश्चन ये तो कर ही लोगे आप लोग, ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को मिल जाएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो इस बार इस केस के अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ इजी लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप ये मत सोचना कि सर लेवल बहुत वो नहीं गया, तो वो एक हुआ है। प्री में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जैसे पिछला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, और मैं 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, उससे बाहर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो पिछला वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया वो RRB PO 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। जब मैंने एनालाइज किया तो वहाँ से मैंने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मुझे कराने चाहिए थे वो मैंने वहाँ से ले लिए। तो आप लोग क्वेश्चन की अप्रोच पर ध्यान दीजिएगा, जो बीच बीच में मैं जो पॉइंट बोलता हूँ ना उन पर आप लोगों को खास ध्यान यहाँ पे देना है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन की ओर देख चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका SBPO प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखो इसके अंदर आप लोगों का क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोगों ने पहले एक लाइन अरेंज कर ली, वो नेक्स्ट लाइन में वेरिएबल लिया। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, इस लाइन के अंदर आप लोगों को फेसिंग नहीं दी हुई है, ठीक है। ये बोल दिया कुछ लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, कुछ लोग साउथ में फेस कर रहे हैं, इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या दिया हुआ है। STUVWXYZ आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ एंड सम ऑफ फेसिंग नॉर्थ। एग्जैक्टली आपको ये भी नहीं दिया गया कितने लोग साउथ में फेस कर रहे हैं, कितने लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, नंबर्स भी नहीं दिए गए भाई, 4 लोग साउथ, कुछ भी नहीं दिया गया, अनसर्टेनिटी दी हुई है, कुछ लोग साउथ में कुछ लोग नॉर्थ। तो हम लोगों को कैसे डायरेक्शन निकालनी है, इस क्वेश्चन की कैसे स्टार्टिंग करनी है वो आगे देखेंगे। उसके आगे एक इंस्ट्रक्शन नोट दिया हुआ है, फेसिंग द सेम डायरेक्शन मीन इफ वन इज फेसिंग नॉर्थ देन द अदर ऑल्सो फेसिंग नॉर्थ, और साउथ होगा तो सेम होगा। और अगर आपको कोई ऐसे बोलता है फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक नॉर्थ तो दूसरा साउथ, तो ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए हुए नॉर्मल। इसके बाद में यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, सेम इधर से यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो एज यूजुअल मैं ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन एक बार के लिए हटा रहा हूँ, ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन हमें याद रखना है कि भाई क्वेश्चन यहाँ सोल्व करने के लिए एग्जाम में तो हो गई आपके पास में कि 8 लोग बैठे हुए हैं, कुछ का मुख जो मुंह है फेसिंग है वो साउथ साइड में, कुछ का नॉर्थ साइड में। आपको एग्जैक्ट फेसिंग आपको नहीं पता है अभी तक कितने लोगों की किधर क्या है, ठीक है, तो वो हम लोग क्वेश्चन से ही पता लगाएंगे। अब मैं अगली स्लाइड के अंदर मैंने आपको एग्जैक्टली इसके अंदर हटा दिए चीज़ों को जो फालतू की, मतलब फालतू की मतलब जो इंस्ट्रक्शन थे। अब क्वेश्चन सोल्व करना हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। अब देखो जब भी डायरेक्शन वाला जो क्वेश्चन होता है जिसमें हमें डायरेक्शन नहीं पता होती है, तो उस एलिमेंट से स्टार्ट करने की कोशिश करो जिस एलिमेंट के हमें डायरेक्शन बताओ। अगर नहीं डायरेक्शन बताओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं बी एक एक्सट्रीमेंट पर बैठा हुआ है, पोजीशन दी हुई है बी की, मान लो एक्सट्रीमेंट पर पोजीशन दी हुई है, एक्सट्रीमेंट पर बैठा हुआ है, तो बी का एक्सट्रीमेंट दो साइड हो सकता है, तो इधर वाला एक्सट्रीमेंट होगा इधर वाला एक्सट्रीमेंट होगा, तो दो केस तो ये बन गए। अब हमें डायरेक्शन नहीं पता है तो एक नॉर्थ वाली, एक इसी के अंदर साउथ वाली, एक नॉर्थ वाली इसी के अंदर साउथ वाली, कितने केस बन गए, 4 केस बन गए। अब हम लोगों के पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि हम लोग 4-4 केस बनाने बैठेंगे, 4-4 केस हम लोग बिल्कुल नहीं बनाएंगे क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब तक हमें डायरेक्शन नहीं पता हो तब तक हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे ना कुछ। अगर हमारी मजबूरी ही फंस जाती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन जब तक हमें डायरेक्शन पता हो हम लोग उसी डायरेक्शन जब हमें पता होंगी तो वहीं से हम लोगों को स्टार्ट करना है, अगर पोजिशन दी हुई होगी तो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट लाइन के ऊपर, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एस फेसेस नॉर्थ, एस के हमें डायरेक्शन दी हुई है। चलो आगे चलते हैं और क्या बोल रहा है, ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट में 2 लोग बैठे हुए हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब 8 लोग हमें ड्रॉ करना है, इसमें 8 लोग बैठे हुए हैं तो 8 लोग कैसे बैठेंगे, जैसे मान लेते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 8 लोग बैठ गए। क्या आप लोग ये जो 8 लाइन मैंने ड्रॉ की है, जब ये लाइन ड्रॉ करते तो किस कंडीशन में हम ड्रॉ कर पाते, या तो एक्सट्रीमेंट पे बैठा हो या फिर हमें किसी एक्सट्रीमेंट से पोजीशन दी हुई हो, तब हम लोग डायरेक्ट 8 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो पोजीशन हमें इस क्वेश्चन में भी दी हुई है लेकिन किसी और लैंग्वेज में दी हुई है, लैंग्वेज का खेल है पूरा का पूरा। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला, ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ एस, एस के दाएं और केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एस के दाएं और केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो एग्जैक्टली मैं लोकेशन, एस की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है, तो एक्स की अगर डायरेक्शन नॉर्थ है तो एस इधर देख रहा है तो उसके राइट में कितने लोग बैठे हुए, 2 लोग बैठे हुए। क्या एस की पोजीशन में, क्या 8 लाइन मतलब 8 लोगों के लिए हम लोगों ने पूरी लाइन ड्रॉ कर पाए, नहीं कर पाए, बिल्कुल कर पाए। हमें पोजीशन ही दे रही है एस की, इधर से
राइट एंड से थर्ड पोजीशन दे रखी है, लेकिन एक अलग एंगवेज, एक अलग लैंग्वेज के फॉर्म में हमें दे रखा है कि ये यहाँ पे बैठा हुआ है, इसमें आप लोग 8 लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस लैंग्वेज को भी आपको ध्यान रखना है, ये पोजीशन ही है लेकिन कहने का तरीका थोड़ा सा एग्जामिनर का अलग है, आपको समझाने का लैंग्वेज बताने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अब देखो इसके अंदर एक फ़ायदा है, अगर हम लोगों को इस तरीके से चीज़ें दी गई हो तो हमारे पास में अगर एस की यहाँ तो चलो डायरेक्शन हमें पता है, नहीं पता होती तो भी दो ही केस बनते। अगर दूसरा, अगर मान लो एस की डायरेक्शन नहीं पता होती तो दूसरा केस कैसे बनाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 लोग बैठ गए, तो एस अगर साउथ डायरेक्शन में होता तो यहाँ पे बैठ जाता, बस दो केस बनते। लेकिन अभी हमें डायरेक्शन दी हुई है तो हमें ये दूसरा केस अभी ड्रॉ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलो आगे चलते हैं। देखो नॉर्थ डायरेक्शन को ऊपर की लाइन से दिखाना है और साउथ डायरेक्शन को नीचे की तरफ दिखाना है आप लोगों को। चलो आगे चलते हैं। फिर बोला है टी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के थर्ड लेफ्ट में टी बैठा हुआ, तो एस का थर्ड लेफ्ट किधर है भाई, देखना 1 2 3 थर्ड लेफ्ट, एस का थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है, यहाँ पे टी को बैठा दिया, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो थर्ड लेफ्ट में टी बैठा हुआ है। लेफ्ट राइट क्यों पता कर पाया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन पता थी, अगर डायरेक्शन नहीं पता होती तो क्या मैं लेफ्ट राइट पता कर पाता आप लोगों को, यहाँ पे नहीं पता कर पाता क्योंकि दोनों साइड जा सकते थे। फिर चलो आगे चलते हैं। फिर बोला ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन टी एंड एक्स, टी और एक्स के बीच में एक ही लोग बैठेगा, तो टी और एक्स के बीच में एक लोग बिठाने के लिए दो कंडीशन बन गई, या तो एक्स यहाँ बैठेगा या एक्स यहाँ बैठेगा, तो क्या मैं दो केस बना लूँ, क्योंकि मेरे पास पोजीशंस पता है उसका टी से रिलेट कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे दो केस बना सकता हूँ। तो मान लेता हूँ कि टी और एक्स यहाँ पे बैठेगा, दूसरा केस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, एस यहाँ बैठा हुआ है, टी थर्ड पोजीशन में यहाँ बैठा हुआ है, तो दूसरी पोजीशन क्या होगी, एक्स यहाँ बैठ जाएगा एक बंदा छोड़ के, बस इसके अलावा और कोई पोजीशन नहीं बनेगी, ठीक है। तो मेरे को दो पोजीशन बतानी थी तो मैंने दो पोजीशन यहाँ पे बना दी। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहे हैं, एक्स सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्लू, एस जो है वो डब्लू के इमीडिएट राइट में बैठेगा, तो नीचे वाले केस में बताओ, इमीडिएट राइट में बैठने के लिए एस के वो कहाँ गया, एक्स सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्लू, डब्लू के इमीडिएट राइट में एस बैठेगा, ठीक है। तो डब्लू यहाँ पे देखो, इमीडिएट राइट इधर तो हो नहीं सकता, तो डब्लू इधर ही होना पड़ेगा, और एस डब्लू के किधर है, इमीडिएट राइट, एक्स सीट इमीडिएट राइट ऑफ डब्लू, एक सेकेंड, एक्स के बारे में बोल रहे हैं ना, सॉरी एस के बारे में नहीं बोल रहे, एक्स के बारे में बोल रहे हैं, ओके सॉरी। तो आप लोगों का जो W है वो इमीडिएट राइट ऑफ, जो X है वो इमीडिएट राइट ऑफ W बैठेगा, तो W देखो इधर तो बैठ नहीं सकता, इधर तो S बैठा होता, W को इधर बैठेगा। अब ये जो X है ये किसके इमीडिएट राइट है, W के इमीडिएट राइट है, तो W का इस साइड वाला क्या बता दिया मुझे, राइट बता दिया गया, तो यहाँ से मुझे W की डायरेक्शन पता चलेगी, नहीं पता चलेगी, ऐसे ही डायरेक्शन पता चलती है लगभग लगभग क्वेश्चन में जब आप जाओगे तो इस तरीके से ही आपको डायरेक्शन पता चलेगी, क्योंकि वो बोलेगा कि W के इमीडिएट राइट में X बैठा हुआ है, तो बोल दिया हमने। अब इमीडिएट राइट और लेफ्ट W का कोई भी हो सकता है, इधर इधर कुछ भी हो सकता है, लेकिन बैठेगा तो जस्ट पास में ही, बगल में बैठेगा ना, ठीक है, बैठेगा तो X के बगल में, तो बगल में दो ही जगह थी, एक ये वाली थी, एक ये वाली थी, यहाँ पे तो पहले से बैठा हुआ है बंदा, तो यहाँ पे बैठना पड़ेगा, उसको मजबूरी है उसकी, और यहाँ पे बैठेगा और X उसके राइट में, तो उसकी डायरेक्शन पता चल गई, डायरेक्शन नॉर्थ होगी तभी तो X राइट में होगा, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा। ऐसे ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला एक्स डब्लू के इमीडिएट राइट में बैठेगा, तो एक्स डब्लू के पास ही बैठेगा, एक्स के पास ही डब्लू बैठेगा, तो कहाँ है, पास में दूसरी जगह तो है नहीं, ये वाली जगह ही है, डब्लू यहाँ हो गया। अब बताओ एक्स डब्लू के किधर है, राइट में है, तो यहाँ पे डब्लू की डायरेक्शन किधर होनी पड़ेगी, साउथ में होनी पड़ेगी, क्योंकि जब इधर राइट करना है तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, साउथ होनी चाहिए, क्योंकि आपका लेफ्ट आपको क्या करना है, राइट करना है, तो आपकी डायरेक्शन किधर होगी, साउथ। तो यहाँ से ऐसे डायरेक्शन पता चलती है, जब भी आप लोगों को डायरेक्शन नहीं दिया हुआ हो क्वेश्चन के अंदर, मैक्सिमम केसेस में आप लोगों को ऐसे ही देगा, पोजीशन दे देगा, कोई एक साइड कोई बैठा हुआ होगा, दूसरी साइड बैठाएगा, उसको लेफ्ट राइट बोल देगा, वहाँ से आपकी पोजीशन निकल जाएगी, जैसे यहाँ पे निकली। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या बोल रहे हैं, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन डब्लू एंड जेड, डब्लू और जेड के बीच में एक ही बंदा बैठा हुआ है, तो डब्लू और जेड के बीच में देखो, डब्लू और जेड के बीच में अगर छोड़ता हूँ तो एक बंदा थोड़ी इधर तो पहले से बैठा हुआ है, तो किधर बैठेगा, जेड इधर बैठेगा, दो केस बनेंगे नहीं, ठीक है। तो W के इधर तो जा नहीं सकता, तो W और Z के बीच में एक बंदा बैठा हो तो ऊपर वाले केस में यहाँ बैठेगा। चलो फिर आगे चलते हैं। बोथ द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ T फेसेस द सेम डायरेक्शन, T के जो इमीडिएट नाइबर्स होंगे वो सेम डायरेक्शन होंगे, तो देखो ये W इधर देख रहा है तो Z भी इधर देखेगा, ठीक है। तो W नीचे देख रहा है तो ये Z भी इधर क्या देखेगा, नीचे देखेगा, यानी कि साउथ डायरेक्शन में देखेगा। चलो आगे चलते हैं। U सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ X, X के थर्ड लेफ्ट में U बैठेगा। अब एक्स की डायरेक्शन नहीं पता है तो हमें एक्स का पता नहीं है कि कौन सा लेफ्ट या राइट है, लेकिन बैठेगा तो थर्ड पोजीशन पे ना,
यू सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, तो थर्ड पोजीशन होगी। अब लेफ्ट इधर होगा मुझे नहीं पता क्योंकि एक्स की डायरेक्शन नहीं पता, लेकिन बैठेगा तो थर्ड पोजीशन। पहले देखो थर्ड पोजीशन कहाँ कहाँ पे, देखो एक दो तीन, तीन नंबर में तो पहले ही जेड बैठा हुआ है, तो किधर बैठना पड़ेगा इसको, किसके बोला यू सी टू एक्स के, तो इधर तो पहले से थर्ड बैठा हुआ है, तो एक दो तीन, तो कौन बैठेगा यू यहाँ पे बैठेगा। अब ये क्या है, ये इधर वाली डायरेक्शन को मुझे क्या करना है, लेफ्ट करना है, यानी कि राइट वाली को लेफ्ट करना है, तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखो वही दोबारा से वही टेक्निक कि क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला थर्ड में बैठा हुआ है लेकिन डायरेक्शन नहीं बताई, थर्ड में एक जगह पहले से फिलअप थी, दूसरी जगह खाली पड़ी थी, दूसरी जगह हमने एलिमेंट को रख दिया जैसे यू को रख दिया, अब इस वाली डायरेक्शन को मुझे क्या बनाना है, लेफ्ट बनाना है, तो डायरेक्शन एक्स की पता चल गई मुझे, नीचे की साइड ऐसे पता चलेगी डायरेक्शन, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम देखते हैं, एक्स से थर्ड पोजीशन, देखो एक्स से थर्ड पोजीशन क्या बैठा हुआ है, एक दो तीन, एक ही है थर्ड पोजीशन, पहले से जेड बैठा हुआ है, तो बैठेगा भाई कहाँ बैठाओगे यू को, क्या बैठ पाएगा ऊपर वाले केस में यू कहीं पे, नहीं बैठ पाएगा, तो कैंसिल, ऊपर वाला केस कैंसिल हो चुका है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, टी फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन एज एस, टी की जो डायरेक्शन है एस के अपोजिट है, तो एस नॉर्थ में देख रहे हो तो इधर क्या देखेगा, साउथ में देखेगा। चलो आगे चलते, वाई डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड, तो वाई एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब दो जगह खाली है, वाई यहाँ नहीं बैठेगा, तो वाई कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। एक बंदा और बच गया भाई, कौन बच गया, उसको बैठा देते हैं उस वाले में, कहाँ से चालू हो रहा है ये, एच टी यू वी, एच टी यू वी, वी बच गया, तो वी यहाँ बैठ जाएगा, क्यों भाई वी यहीं पर बैठेगा, तो वी और यू में कन्फ्यूज मत हो जाना भाई, ये वी है ठीक है, तो वी यहाँ पे बैठेगा। अब इनके डायरेक्शन नहीं पता, तो डायरेक्शन के बारे में देख लेते हैं, आगे देखते हैं, वी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज डब्ल्यू, वी डब्ल्यू के जैसी डायरेक्शन फेस करेगा, तो ये क्या है, इधर देख रहा था, ये भी इधर देखेगा, ठीक है। आगे तो बोथ वाई एंड यू फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन, वाई और यू फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एस जेड, तो वाई और यू जेड के अपोजिट डायरेक्शन, जेड ऊपर देख रहे हैं, तो वाई और यू किधर देखेंगे, नीचे साउथ की साइड देखेंगे, बताओ सबकी डायरेक्शन भी आ गई मेरे पास में और सबकी पोजीशन भी आ गई, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी नहीं लिखनी पड़ी, सही तरीके से अगर स्टार्ट करते, एस बी आई पी ओ प्री का क्वेश्चन था, इजीली हो गया आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं आई, और ऐसे क्वेश्चन में दो तीन मिनट ज़्यादा लगने ही नहीं है आप लोगों को बिल्कुल भी, अगर अप्रोच सही अप्रोच से जाते हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अलग अलग डायरेक्शन, अब इसके ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं ना उसमें जो लेफ्ट राइट होता है ना उस वो करते टाइम ध्यान रखना कि भाई किस एलिमेंट से चल रहे हो, क्योंकि जिसका नॉर्थ है उसमें राइट लेफ्ट अलग होगा, जिसका साउथ होगा उसका राइट लेफ्ट अलग होगा। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन आपको इसके ऊपर बेस्ट कराता हूँ, पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पर्सन इन गिवन अरेंजमेंट आर फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ साइड में कितने लोग देख रहे हैं भाई, देखना भाई ऊपर की साइड कितने लोग देख रहे हैं, एक दो तीन चार लोग ऊपर की साइड में देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बोल दोगे कि चार लोग, उसके बाद बोलो निम्नलिखित पांच में से चार एक निश्चित प्रकार से समान है और इसलिए एक समूह निर्माण करते हैं, निम्न में से कौन सा समूह है उससे संबंधित नहीं है, जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन ए सर्टेन वे, ठीक है। तो इसमें आप एक तो डायरेक्शन देखना, एक पोजीशन देखना, दो चीज़ देख सकते हो कि डायरेक्शन और पोजीशन के आधार पे चार एक जैसे होंगे पांच नहीं होंगे। देखो तो डब्ल्यू और एक्स को देखते हैं, तो डब्ल्यू और एक्स कहाँ है, डब्ल्यू ये रहा और एक्स ये रहा, दोनों अगल बगल बैठे हुए हैं। चलो आगे चलते हैं, जेड और वाई, तो जेड और वाई को देखो, जेड और वाई अगल बगल नहीं बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, टी और एस, टी और एस, टी और एस के अलग पोजीशन, तो आसपास में अगल बगल बैठे हुए, लेफ्ट राइट बैठे हुए, इसका तो कोई लॉजिक नहीं बनता। तो दूसरा क्या देख रहे हैं, डायरेक्शन, एक तो पोजीशन के बेस पे अलग होगी, दूसरा डायरेक्शन के बेस पे अलग होंगे, देखना भाई। एक मिनट, कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ तो डब्ल्यू और एक्स की डायरेक्शन क्या है, डब्ल्यू और एक्स की डायरेक्शन एक की नॉर्थ साइड है फिर एक की साउथ साइड है। आगे चलो, जेड और वाई की क्या है भाई, जेड और वाई की भी देखो, एक की नॉर्थ साइड है दूसरे की साउथ साइड है। आगे चलते हैं, टी और एस की क्या है, टी और एस की इसकी साउथ साइड है इस बार और एस की नॉर्थ साइड है, ठीक है। चलो तो एक ये अलग लग रहा है अभी तक, तो आगे भी फिर भी देख लेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन वाले ना हो। टी और वाई में क्या है, टी और वाई, टी और वाई देखो दोनों सेम डायरेक्शन वाले हैं, तो ये ज़्यादा अलग हो जाएगा। मतलब अभी तक जो दो दो के ग्रुप थे ना उनमें एक की डायरेक्शन अलग थी दूसरे की डायरेक्शन अलग थी, इसमें दोनों की डायरेक्शन सेम है। इनमें देख लो, वी और यू में अलग अलग होगी डायरेक्शन, देख लेना चाहिए, तो वी और यू में देखो अलग अलग डायरेक्शन, यानी कि चार चीजों के अंदर जो चार केस चार ऑप्शन थे उसमें डायरेक्शन एक की या तो नॉर्थ थी दूसरे की साउथ थी, एक की नॉर्थ थी दूसरे की साउथ थी, ऐसे थी, दो अलग अलग डायरेक्शन वाले लोग थे। इस वाला डी वाले केस में दोनों सेम डायरेक्शन वाला ग्रुप है, तो बस डायरेक्शन से देख लो या फिर पोजीशन से देख लो, दो ही चीजें होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेड के संदर्भ में एक्स का स्थान क्या है, जेड के संदर्भ में एक्स का स्थान क्या है, तो जेड ये रहा और एक्स ये रहा, तो अब जेड के रेस्पेक्ट में देखना है ना एक्स को, एक्स को जेड के रेस्पेक्ट में देखना है, तो जेड की डायरेक्शन क्या है,
नॉर्थ साइड है तो नॉर्थ साइड पे इधर क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो देख लो राइट के अंदर एक्स एक दो तीन तीसरे पोजीशन पे, थर्ड राइट में है, थर्ड राइट में, थर्ड टू द राइट। ओके, इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो भाई आज के लेक्चर में बस इतना ही था, और इसका मैं कंटिन्यू पार्ट बनाऊंगा, एक पार्ट और बनाऊंगा इसमें जिसमें दो क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद में लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट की एक अच्छी अप्रोच आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जो जो पॉइंट्स मैंने बताए क्वेश्चन को सोल्व कराते टाइम पे, वो हम लोग आप लोग ध्यान में रखना। मैंने एक SBI प्री का क्वेश्चन करवाया आप लोगों को, एक RRB PU का करवाया, एक मैंने IBPS कलर का क्वेश्चन कराया, तीनों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवाए हैं। इसके अलावा अभी जो मैं नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ, मैं वो एक IBPS PO प्री का लूँगा, और उसके बाद में एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे मेंस का लूँगा। कौन सी मेंस है ये? RRB PO मेंस का क्वेश्चन लूँगा, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन छाटे ना वो हर एग्जाम के हिसाब से नहीं छाटे, मैंने ऐसे इस तरीके से पाँच क्वेश्चन छाटे कि आपको हर चीज़ सीखने को मिल जाए, लैंग्वेज का क्या मतलब है वो सीखने को मिल जाए, तो पजल अपने आप सोल्व हो जाएंगे और एक अप्रोच मिल जाए आप लोगों को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ क्वेश्चन नहीं सीखे होंगे आप लोगों ने, आप लोगों ने एक तरीका सीखा होगा कि भाई मेरे सामने जब पजल आएगी तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा, तो वो आपको सीखना है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को पूरा सिखाने की कोशिश की, बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस करना ही है, और इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, वेट कीजिएगा आप लोग जल्दी ही। देखो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, अगर आप लोग पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को मैं एक वेबसाइट बताता हूँ, हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पर आप हमारा फुल कोर्स आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो उसका कुछ चार्जेज होते हैं, और उसको पे करके आप लोग फुल कोर्स, जैसे कि SBI कलर की भी वैकेंसीज आ गई हैं, तो आप लोग उसके लिए भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। उसमें पूरा सिलेबस ऑलरेडी बना हुआ है, और हम लोग एकदम से एक्सटेंसिवली हमारा नेक्स्ट टारगेट है उसको हम लोग एक अपडेट दे रहे हैं, और उसको हम लोग एक मतलब सिर्फ वीडियो कोर्स नहीं लेके एक बैंकर्स पॉइंट स्पेशल सिलेक्शन प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसमें आपको सिलेक्शन के लिए जो भी नेसेसरी चीज़ें होंगी, प्रैक्टिस वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे करवाई जाएंगी। लेकिन अभी हम लोग उसी के बनाने के प्रोसेस में ही चल रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से आपने भी देखा होगा नहीं चल रहा था, वो हम लोग एक अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए बना रहे हैं। लेकिन अचानक से ही ये नोटिफिकेशन आ गया, तो क्योंकि अभी तो आगे कोई एग्जाम नहीं था, हमेशा दो तीन महीने में उसको तैयार कर लेते हैं, लेकिन अभी अचानक से SBI कलर का एग्जाम आ गया है, तो हम लोगों को अब आप लोगों को भी पढ़ना है। तो एक हमारे पास कोर्स है ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको हम लोग अपडेट कर चुके हैं कुछ और कुछ चीज़ें उसके अंदर एडिशन होनी है, ठीक है। तो वो सिलेक्शन प्रोग्राम तो हम लोग उसको बाद में बना पाएंगे, क्योंकि अभी दो महीने में पूरा सिलेबस हम लोगों को कराना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें बची हुई हैं। तो हम लोग आपको वीडियो कोर्स में कंप्लीट पढ़ा देंगे, और जो मैं पढ़ाता हूँ क्लास में उसकी आपको PDF दे दूंगा, सारी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दूंगा। जब आपका ये एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में आपको नेक्स्ट 12 महीने तक उसमें सपोर्ट मिलेगी, तो 12 मंथ तक आप लोगों को उसके अंदर फिर एक प्रोग्राम की तरह आप लोगों को एक पूरा शेड्यूल दिया जाएगा, जिसमें आपको वीडियोस, आपको प्रैक्टिस शीट, क्विज, एकदम पूरा मतलब आप लोगों को इस तरीके से पूरा उसमें मैटर दिया जाएगा कि आप लोगों की ना तो प्रैक्टिस में कमी रहेगी, आपको करना ही पड़ेगा, जो हमने बोल दिया वो कर लिया, बात खत्म। आपको ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कहां से करूं क्या नहीं करूं, बस वो ले लो, उसके बाद में बात खत्म। आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, डेली प्रैक्टिस सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन SBI कलर से पहले आपको सिर्फ वीडियो कोर्स मिलेगा, क्योंकि हम लोग अभी उसको बनाने में लग रहे हैं, और क्लास के नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो वेबसाइट बता देता हूं, ठीक है। तो ये वेबसाइट है हमारी bankers.org, इसके ऊपर आप लोगों को जाना है, और यहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज मिल जाएंगे, कॉम्बो पैकेज है, काफ़ी अफोर्डेबल है, आप लोग उसको परचेज कर सकते हो, या फिर हमारा एंड्रॉयड ऐप है, तो एंड्रॉयड ऐप के लिए आप लोग बैंकर्स पॉइंट पे प्ले स्टोर पे जाके बैंकर्स पॉइंट सर्च कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। बैंकर्स पॉइंट ऑनलाइन कोचिंग ऐसे करके सर्च कर लेना। अगर कोई दिक्कत आया था आप लोगों को, तो ये नंबर आप लोगों 8955974739 इस पर आप लोग कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब जैसा कि एग्जाम आ रहा है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट की भी आवश्यकता होगी, तो बाकी जगह अगर आप लोग देखोगे तो मॉक टेस्ट काफ़ी अनअफोर्डेबल बनते जा रहे हैं, मतलब काफ़ी प्राइसेस इन, मतलब अगर आप बाकी कहीं पे भी जाएंगे तो प्राइसेस काफ़ी हाई है। एक मॉक टेस्ट एक एग्जाम का लेने के लिए हमें 300 से लेकर 500-700 तक खर्च करने पड़ सकते हैं, तो 12 महीने में पता नहीं कितनी एग्जाम्स होती है, अगर सभी के मॉक टेस्ट हम लोग खरीदने लग गए तो काफ़ी उसके अंदर हमारा अमाउंट लग जाता है। तो हम लोगों ने अभी एक ऑफर निकाल रखा है, ठीक है। तो हमारी जो वेबसाइट है बैंकर्स पॉइंट, ये मॉक टेस्ट की वेबसाइट अलग है, bankers.mock.com, ठीक है, वो वीडियो कोर्स की अलग थी। इसके अंदर आप लोग 12 महीने जितने भी एग्जाम होते हैं ना आपके, SSC हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जितने भी एग्जाम होते हैं दुनिया भर के आपके, सब का पैकेज आप लोगों को उसके अंदर प्राइजेस चलती है। अभी मेरे को एग्जैक्टली ध्यान में नहीं है, मतलब वेरिएबल होती रहती है, तो वीडियो में डालता हूँ, 300 से 400 रुपये के बीच में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। 300 से 400 रुपये के बीच में सब कुछ मिल जाएगा, उसमें प्लेटिनम पैकेज होता है, जिसमें सब टेस्ट सीरीज आपको 12 महीने में जितने एग्जाम आने वाले हैं और जितने पीछे हो चुके सब टेस्ट मिलेंगे आपको, 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस का इसमें कलेक्शन मिलेगा, कुछ PDFs भी आपको मिलेंगे इसके अंदर, तो इसके ऊपर भी आप लोग टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। और इसके ऊपर भी अगर कोई दिक्कत आए तो आप लोग इन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग इन नंबर्स के ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट
कर सकते हो। ये अफोर्डेबल है और इससे थोड़ा हमें भी सपोर्ट मिल सकता है ताकि हम लोग सारी चीज़ें रन कर पाए, क्योंकि पिछले 2 महीने से आप लोग देख रहे हो कि कुछ यहाँ पे हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो अभी हम लोगों ने दोबारा से स्टार्ट किया, तो आप लोगों को ऐसे कंटेंट देने की कोशिश करते रहेंगे। कमिटमेंट कोई नहीं करूँगा क्योंकि कई बार पूरे नहीं हुए, तो अभी आप लोग इसके ऊपर 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। बाकी हम लोग यूट्यूब पर क्लासेस आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।